हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगी प्रॉन करी। मैं प्रॉन को अच्छे से धो के साफ कर दिया है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिला के 10-15 मिनट तक रख दीजिए। अच्छे से हल्दी और नमक प्रॉन में मिलाइए। ताकि प्रॉन का जो फ्रेशनेस है वो आ जाए, उसमें स्मेल चला जाएगा। मैंने मसाला के लिए एक प्याज, एक टमाटर, 8 देसुन, 10 पीस लहसुन की कली, अदरक और काजू लिए। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स में पीस लूँ। अभी मैं इन सारे चीज़ों को पीस लूँ। अभी मैं मसाला के लिए थोड़ा सा जीरा, धनिया, दालचीनी, लौंग और काला मिर्च ली। इसको भून के मैं पाउडर बनाऊंगा। अभी पैन को गरम करके हाई फ्लेम में 2 चम्मच सरसों का तेल डालिए। तेल गरम होते ही प्याज डाल दीजिए। एक प्याज मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप जितना हिसाब से तीखा खाते हैं उसी हिसाब से डालेंगे। प्याज थोड़ा भून जाने के बाद मैं जो मसाला टमाटर, प्याज, काजू और अदरक पीस के रखा था वो मसाला को मैंने डाल दिया। अच्छे से भून लीजिए। मसाला थोड़ा भूनने के बाद आप इसमें थोड़ा 1 चम्मच बटर डाल दीजिए। आपको अगर बटर की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने पसंद के हिसाब से। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि मसाला ना जले। नमक डाले से मसाला नीचे से नहीं जलेगा और अच्छे से भून जाएगा। अभी हमारा मसाला करीब भून गया है, ज़्यादा काला मत कीजिए। अभी कैप्सिकम डाल देंगे। अभी हम हल्दी नमक जो मिला के रखे थे जो प्रॉन, उसको हम डालें।
सिर्फ अच्छे से प्रॉन को और मसाले को हम मिलेंगे। जो मसाला मैंने बनाया था धनिया और दालचीनी का, वो अभी डाल दें। करीब एक चम्मच डाल दें। प्रॉन के लिए भी हम नमक अभी डाल दें। पहले जब हम डाले थे थोड़ा मसाला देके डाले थे ताकि मसाला ना जले। अभी प्रॉन के लिए जितना प्रॉन को जरूरत है उतना डाले। अभी हमारा प्रॉन करीब भूंज गया है, अभी हम पानी दे देंगे। मसाला का जो बचा हुआ पानी मैं दे रही हूँ ताकि मसाला वेस्ट ना हो। और भी जरूरत पड़ेगा तो फ्रेश पानी थोड़ा दे दीजिए। मैं थोड़ा ग्रेवी रखूंगी इसीलिए पानी थोड़ा और देती हूँ। उबाल आ जाने के बाद गरम मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ। आंच धीमी करके ढक दीजिए 5 मिनट तक। प्रॉन जल्दी बन जाता है। 5 मिनट हो चुका है, अभी प्रॉन करीब हो गया है। फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। आखिर में धनिया पत्ता डाल दीजिए ताकि खुशबू और अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा लगे। अभी हमारा हो गया प्रॉन मसाला।